चलिए, सेट थ्योरी में एक बार फिर से आपको बताया जा रहा है उड़ान सेना रिटर्न के द्वारा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं, चौथा वीडियो है। इसमें कुछ थोड़ा सा एडवांस, ज़्यादा थोड़ा सा हटके है, जो ISC लेवल का है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपका आता है, जो अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए आता है, ठीक है। तो इसको बारीकी से देखें, यह नहीं कि कम कंपटीशन में ऐसा भी क्वेश्चन डाल देता है, कोई भारी नहीं है। अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए हौला है, नहीं सीखे तो आपके लिए भारी है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन अब दोबारा आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि सेट ए, इसका मतलब होता है कि सेट ए में 4 अवयव हैं। यहाँ पे 4 देने का अर्थ है कि 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या रहता था कि 4 सेट ए लिख के उसमें 3 4 5 6 7 8 लिखा रहता था, उसमें 4 अवयव या 5 अवयव लिखा रहता था। लेकिन अभी दे दिया है कुल अवयव की संख्या, यानी एन ए, यानी सेट में कितने एलिमेंट हैं। एन मतलब होता है नंबर, द नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 4। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है ना, यानी अवयवों की संख्या बी में कितना है, 6 है, ए में 4 है। तथा ए यूनियन बी न्यूनतम बराबर हो तो, यानी दोनों में न्यूनतम बराबर होगा, दोनों में अवयव है जो कम से कम कितना बराबर होगा, तो आपको ए यूनियन बी पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के सहारे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा आपको, तो हम अपने मन से मान लेंगे कि सेट ए में 4 अवयव कुछ भी हो सकता है। तो 4 अवयव हम ले लिए, 2 4 5 6, है ना, 4 अवयव कुछ भी है तो हम लिख लिए 2 4 5 6। अब सेट बी में 2 4 5 6 तो होगा ही, कुछ और होगा क्योंकि 6 को है, तो यूनियन दे दिया है न्यूनतम, कम से कम, कम से कम तो फिर ये चारों तो होगा ही, है ना, ये चारों तो होगा ही, और ये दोनों कुछ अलग, 2 और होगा क्योंकि 6 को है ना, तो 4 को तो ये होगा, 2 को और कुछ होगा, तो 2 को और कुछ हम ले लिए, 7 8। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिमेंट की संख्या ए यूनियन बी में क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर हमको निकालना रहेगा तो क्या निकालते हैं हम लोग, कि जो दोनों में शामिल है वो भी लेते हैं और जो नहीं है वो भी लेते हैं, तो यानी यही ना हो जाएगा, 2 4 5 6 7 8। तो न्यूनतम कम से कम कितने अवयव होंगे, 6 होंगे, है ना। लेकिन अगर अधिकतम कहता, यहाँ पे ध्यान देना, न्यूनतम कह दिया तो ये हो गया, अगर अधिकतम कहता तो हो सकता है कि ये 4 जो है अलग अवयव होंगे, ये चारों अलग अवयव हो सकता है, और ये 6 है जो अलग अलग अवयव हो सकते हैं, अलग अलग भी रहेगा। तो यूनियन में क्या होता है कि अगर सेम नहीं भी है तो इस सेट ए भी लिखाएगा और सेट बी भी लिखाएगा, तो यानी 6 4 10 अवयव हो जाएंगे अधिकतम में। न्यूनतम कह दिया तो जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो ले लीजिएगा, शॉर्ट में आंसर, अगर न्यूनतम कह दिया तो छोटा जो बड़ा वाला वैल्यू हो वो ले लीजिएगा, और अगर अधिकतम कह दिया तो दोनों के जोड़ के आंसर दे दीजिएगा। यूनियन में ये क्या होता है, यूनियन में अगर आप इसे समझते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप लिख के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, फिर ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि सेट ए में 5 अवयव हैं, सेट बी में 8 अवयव हैं, तो आपसे तथा कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी अधिकतम बराबर हो तो, अधिकतम बराबर हो तो, अधिक से अधिक कितना बराबर हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम बराबर, तो अधिकतम बराबर क्या हो सकता है, अधिकतम बराबर ए इंटरसेक्शन बी में यही हो सकता है। तो हम आगे ए अवयव ले लिए, 1 2 3 4 5 अवयव बी में ले लिए, 1 2 3 4 5 तो होगा ही, जब बराबर कह रहा है तब अधिकतम यही ना बराबर हो सकता है, और उसके बाद ही 6 7 8। तो जब अधिकतम बराबर कह रहा है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है वही, तो दोनों में मिल क्या रहा है, 1 2 3 4 5, तो अधिकतम तो बराबर यही हो सकता है, यानी आंसर कितना, कितने अवयव हैं इसमें, 5 अवयव हैं, तो इंटरसेक्शन में यही होगा। अगर इसमें न्यूनतम कह देता, इसका न्यूनतम अगर कह देता तो न्यूनतम कह देगा
तो हो सकता है कि ये पांचों अवयव अलग होंगे और ये जो आठों अवयव हैं अलग होंगे। तो जब दोनों अलग अलग अवयव होंगे तो उसके लिए क्या होता है कि फाइव या फिर जीरो आंसर, न्यूनतम में, न्यूनतम में जीरो या फाइव हो जाएगा आंसर, क्लियर। लेकिन अधिकतम कह दिया तो हो सकता है कि पांच जो इसमें अवयव हैं ये पांचों अवयव इसमें होंगे, है ना, यही ना हो सकता अधिकतम में, बाकी और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो चलिए बस इसको थोड़ा सा बारीकी से 2-3 बार इस वीडियो के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अपने मन से लीजिएगा कुछ भी क्वेश्चन और कीजिएगा। नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप इसमें नंबर रहता है आपको, वो शुरू में ही उस पर आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए आगे देखते हैं। सेट ए में 10 अवयव हैं, सेट बी में 15 तथा ए यूनियन बी में अधिकतम बराबर होंगे। अभी बताए थे कि जब अधिकतम बराबर कहे तो शॉर्ट में आंसर मार देंगे कि दोनों के जोड़ के, दोनों के जोड़ के। अगर न्यूनतम बराबर कह दिया तो बड़ा वाला वैल्यू, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कि सेट ए में 10 अवयव हैं और सेट बी में 15 अवयव हैं, तो अधिकतम बराबर हो सकते हैं ये 10 अलग ये 15 अलग, है ना, ये 10 अलग ये 15 अलग रहे, तो यानी 10 और 15 25, है ना। और अगर कह दे कि आपको न्यूनतम बराबर, तो न्यूनतम बराबर कह देगा तो 15 न्यूनतम बराबर हो सकता है ना। न्यूनतम क्या हो सकता है, 15, क्योंकि 10 तो ये दोनों सेम रहवे करेगा, 5 और, तो यूनियन में होता है कि जो दोनों में मिले वो भी, जो ना मिले वो भी, तो 10 मिलेगा और 5 नहीं मिलेगा तो वो भी 5 लिखा जाएगा, तो 10 और 5 15, न्यूनतम में 15 हो जाएगा, अधिकतम में दोनों के जोड़ के यानी 25 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ सेट, ये नंबर ऑफ ए में एलिमेंट की संख्या 10 है, इसमें 15 है, तो ए यूनियन बी में न्यूनतम बराबर होगा। तो अभी बताए थे कि न्यूनतम बराबर में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी पूछ रहा है आपसे, ए यूनियन बी पूछ रहा है तो आपसे हो जाएगा बड़ा वाला 15, है ना, ये आंसर हो जाएगा न्यूनतम में, सॉरी ये हो जाएगा ए यूनियन बी कह दिया था। लेकिन अगर इसमें ए इंटरसेक्शन बी कहता है तो न्यूनतम में क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो सकता है कि 10 ही अलग रहे, 15 अलग रहे, ये 10 एलिमेंट अलग रहेगा, ये 15 एलिमेंट अलग रहेगा, तो यानी इसका फिर 0 हो जाएगा, एम्प्टी खाली कुछ नहीं रहेगा फिर बराबर, तो यानी 0 हो जाएगा। लेकिन यूनियन कह दिया, यूनियन कह दिया तो बड़ा वाला भी बताए थे, क्योंकि हो सकता है कि जो 10 अवयव इसमें हैं इसमें भी 10 अवयव रहे और 5 और इसमें अलग है, तो ये 5 और जुट जाएगा उसमें, तो यानी 10 और 5 15 अवयव होंगे, क्लियर। इसको बारीकी से देखिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेट ए में अवयवों की संख्या 8, इसमें 12 है, तो आपसे पूछ सकता है। अगर अगला क्वेश्चन है इसमें, उसमें था न्यूनतम अधिकतम हो गया, अब इसमें डायरेक्ट पूछ देगा कि यदि सेट ए में 8 सेट बी में 12 अवयव हैं तो ए और बी में अवयवों की संख्या कितना होगा, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में। इसमें नहीं कह रहा कि ना अधिकतम है ना न्यूनतम है, तो आपको ऑप्शन भी उसी तरीका से रहेगा, है ना, अधिकतम और न्यूनतम दोनों के रिलेशन पूछेगा आपसे। तो हम सेट ए में मान लेंगे कि 8 अवयव है, सेट बी में 12 अवयव है, तो हम अपने मन से अधिकतम और न्यूनतम दोनों लेंगे। तो चलिए तो न्यूनतम पहले निकालते हैं, तो न्यूनतम में ए यूनियन बी में क्या होगा कि 8 अवयव ये भी और 8 वो, इसमें भी हो सकता है सेम रहे, लेकिन 4 तो 12 है तो 4 को तो सेम नहीं होगा, तो 4 और, यानी 8 4 12 अवयव यूनियन वाला में। और फिर न्यूनतम में और अधिकतम में क्या हो जाएगा कि ये 8 अवयव हो सकता है अलग रहे, ये 12 अलग रहे, तो 12 8 20, यानी 12 और 20 के बीच में इस एक्स का वैल्यू होगा, इस एक्स का जो वैल्यू होगा वो 12 और 20 के बीच में होगा, यानी 12 के बराबर या 20 के बराबर। तो देखिए तो ये रिलेशन कहाँ मिल रहा है, यहाँ 8 दे रहा है, 8 वाला तो होगा नहीं, यहाँ भी 8 दे रहा है ये भी होगा नहीं, तो यहाँ रिलेशन देखिए कैसे है कि 12 के बराबर है, अगर खाली रहता है इसे 12 एक्स और ये 20, तो ये भी गलत था क्योंकि 12 के बराबर नहीं कर रहा, कह रहा है कि 12 से छोटा होगा एक्स, एक्स बड़ा होगा, तो ये तो होगा नहीं, 12 के बराबर होगा एक्स या 20 के बराबर होगा एक्स, है ना, तो ये आंसर, क्लियर। आगे चलते हैं, अपने मन से निकाल लेना है न्यूनतम और अधिकतम, जब ना कहे कुछ तब। चलिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह से कि सेट ए में 15 अवयव हैं,
सेट बी में 20 अवयव हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि सेट यूनियन ए और बी में अवयवों की संख्या क्या होगा, है ना, ए और बी में अवयवों की संख्या क्या होगा। तो चलिए हम सेट ए में 15 अवयव ले लिए, सेट बी में 20 अवयव ले लिए, तो इसमें न्यूनतम अधिकतम, तो न्यूनतम पहले निकालेंगे। तो न्यूनतम के लिए क्या करेंगे कि 15 अवयव दोनों में सेम होगा, लेकिन 5 और सेम नहीं है, यानी 20 वाला। अधिकतम कह दिया तो हो सकता है 15 अलग रहे, 20 अलग रहे, तो 15 और 20 कितना, 35 अवयव। तो चलिए देखते हैं कि ये तो होगा नहीं कभी, क्योंकि हमको 20 और 35 के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए ये देखते हैं, ये कह रहा है कि 20 जो है एक्स से छोटा, एक्स से बड़ा, सॉरी 20 जो है एक्स से छोटा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, 20 के बराबर। देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है 20 के बराबर, ओनली फॉर छोटा ही नहीं हो सकता, 20 के बराबर भी होगा। तो 20 के बराबर रहता अगर तो ये होता, और फिर कह रहा है कि 35 जो है बड़ा होगा, तो नहीं, 35 के बराबर होगा, है ना, एक्स का वैल्यू। तो ये देखिए कहाँ पर रिलेशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि सेट ए में 5 तथा सेट बी में 4 हैं तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स, है ना, अवयवों की संख्या फिर पूछ रहा है आपसे। तो अवयव इसमें हम ले लिए कि 5 है, इसमें 4 है, तो अधिकतम और न्यूनतम, क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो अधिकतम और न्यूनतम निकालेंगे। तो न्यूनतम में इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, न्यूनतम हर हमेशा हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन में 0 होगा, न्यूनतम, न्यूनतम में हर हमेशा इंटरसेक्शन में 0 होगा, और अधिकतम में जो छोटा वाला वैल्यू होगा वो होगा, कि हो इंटरसेक्शन में वही वैल्यू होता है कि जो दोनों में मिल रहा है। तो दोनों में क्या मिलेगा, न्यूनतम में, सॉरी अधिकतम में, 4-4 मिल सकता है, और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ये 4, अधिकतम में 4, न्यूनतम में 0। चलिए ऐसे न, तो ऐसे दिखा देते हैं आपको कि 1, 2, 3, 4, 5 इसमें ले लिए सेट ए में, और सेट बी में आपको हम ले लिए 1, 2, 3, 4, आगे 4 अवयव था। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों में मिले, तो यहाँ 4 को ना अधिक से अधिक मिल सकता है, तो अधिक से अधिक 4 को, और हो सकता है कि इसमें भी अलग रहे, इसमें अलग रहे, तब एको नहीं मिलेगा, तो 0। तो इसका रिलेशन हर हमेशा जब भी देखना है यहाँ पे, तो ये और इक्वल, ये और इक्वल, ये निकाल लेना है, ये निकाल लेना है, और ये दोनों का रिलेशन जो देखना है कि हर हमेशा बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है तो आंसर होगा, बराबर नहीं है तो आंसर नहीं होगा, आपको यही देखना है। ये निकालना आपको आसानी है, फिर यहाँ पे मिला लेना है, क्लियर। चलिए कम से कम निकालना आ जाता है तो बहुत बेटर हो जाएगा आपको, ठीक है, ओके। इतना ही के लिए इसमें क्वेश्चन में है, तो सेट आप बहुत बारीकी से देखिए दोस्तों, और इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आईएससी का भी लेवल का क्वेश्चन है, आईएससी में भी इसको पढ़ सकते हैं लड़कन, उन लोग को भी शेयर कर दीजिए ताकि सेट उनका क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन ये है, ओके, और हर कंपटीशन के लिए है। तो बस इतना ही के लिए आज तक, जय हिंद जय भारत, उड़ान सेना रिटर्न के द्वारा, उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर की ओर से, थैंक यू।